हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी प्लस टू के इस एजुकेशनल चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास इलेवेंथ का दूसरा क्लास है। आज के इस क्लास में हम लोग बेसिक बायोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि बेसिक बायोलॉजी जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए अगर आप क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ में बायो पढ़ना चाहते हैं या आपने बायो लिया है तो। इससे पहले वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में बता दिया है, सिलेबस हमने आपको लिखवा दिया है, उसका नोट्स भी वहां पे दिया हुआ है। आप चाहे तो उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, जो वैसे लोग अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आपको क्लास इलेवेंथ का वीडियो में मिल जाएगा वो फर्स्ट वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो आज का हमारा क्लास होगा बेसिक बायोलॉजी के ऊपर, और इस बेसिक बायोलॉजी को पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम लोग एक चैप्टर वाइज एक यूनिट को लेकर के चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, यानी द सेल से स्टार्ट करेंगे, सेल के बारे में जानेंगे कि सेल क्या है। ऐसे कर करके हम लोग एक एक टॉपिक वाइज लेकर के चलेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा। आप एक लिंक आपको टेलीग्राम का मिलेगा, एक लिंक आपको व्हाट्सएप का मिलेगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और साथ में आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं बेसिक बायोलॉजी के क्लास के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम आपको बायोलॉजी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके चैप्टर्स में कहीं ना कहीं मिलेंगे, यानी आपके हर चैप्टर से कोरिलेटेड होगा। ये आज का ऐसा टॉपिक है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा है बेसिक बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का जड़, बायोलॉजी का बेसिक आधार। जब तक आपको आधार नहीं मिलेगा, बेस नहीं मिलेगा, तब तक आप आगे नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम बेस के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या क्या बेस के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए बेस में सबसे पहले बायोलॉजी का हम बात करते हैं। तो बायोलॉजी जो है, यहां पे ध्यान देंगे माय डियर स्टूडेंट, कि जो हमारा बायोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, बायो प्लस लोगस। बायो प्लस लोगस, जिसमें बायो का मतलब है लिविंग थिंग्स, यानी बायो का मतलब क्या है, लिविंग थिंग्स, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट। यानी आप इसे कह सकते हैं कि जीवों के बारे में अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। यानी कि बायोलॉजी को आप डिफाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी है पौधे का बड़ा होना, यानी कि पौधों का ग्रोथ होना, इंसान का बढ़ना, फूलों का उत्पन्न होना, फूलों का खिलना। तो ये सारा परिसंचरण तंत्र का क्रिया सुचारू रूप से चलना, आहार श्रृंखला का संतुलन बनाए रखना या बनना, यही तो है बायो। इकोसिस्टम और आपके बॉडी से रिलेटेड, ये सारा बायो ही तो है। तो बायो वही कह रहा है कि बायो जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट, यानी किसी चीज के बारे में अध्ययन। किसके बारे में? लिविंग थिंग्स के बारे में अध्ययन। अब हम यहां पे बात करेंगे कि बायोलॉजी का फादर किन्हें कहा जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है। तो अगर हम बायोलॉजी के फादर की बात करें तो एरिस्टोटेल यानी अरस्तु। एरिस्टोटेल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें बायोलॉजी का फादर कहा जाता है, और उन्हीं के एक शिष्य हैं अरस्तु के शिष्य, जिन्हें सिकंदर कहा जाता है, उनका भी इंग्लिश में नाम है एलेक्जेंडर। यानी यही एक ऐसे गुरु और शिष्य हैं जिनका इंग्लिश में भी नाम है और हिंदी में भी नाम है। ये एक जानकारी है, याद रखिएगा आप इसे, ठीक है। तो एरिस्टोटेल यानी अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, बायोलॉजी का फादर कहा जाता है। अब बायोलॉजी को वही डिफाइन किया है
कि बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि धरती पर जीवन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। यानी कि द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या है, बायोलॉजी है। यानी कि आप जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, आप जीवन के कहानियों को पढ़ रहे हैं, तो डेट इज योर बायोलॉजी। अब कहानी कुछ भी हो, चाहे वो उसका कार्य से रिलेटेड हो या उसका बनावट से रिलेटेड हो, यानी उसके फंक्शन से रिलेटेड हो या उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल क्या है। उससे पहले हम लोग पार्ट ऑफ बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि बायोलॉजी के कितने पार्ट्स होते हैं, यानी बायोलॉजी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बायोलॉजी को मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज जूलॉजी एंड द सेकेंड इज सॉरी द फर्स्ट इज बॉटनी एंड द सेकेंड इज जूलॉजी। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, पहले में आप जूलॉजी लिख सकते हैं या बॉटनी लिख सकते हैं, दैट इज नॉट मैटर। आपको बस दो पार्ट याद रखना है बायोलॉजी का, जूलॉजी बॉटनी या बॉटनी जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। अब हम इन दोनों के फादर के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इन दोनों के फादर कौन है, इन दोनों के जनक कौन है। तो अगर हम बॉटनी के फादर की बात करें तो थियोफ्रास्टस नामक एक वैज्ञानिक है जिनको बॉटनी का जनक कहा जाता है, यानी बॉटनी का फादर कहा जाता है। वो वैज्ञानिक है थियोफ्रास्टस, आप इनका नाम याद रखेंगे, थियोफ्रास्टस इज नोन एज द फादर ऑफ द बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक। इनको वनस्पति विज्ञान का जनक इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी थी द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम, यानी हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम नामक किताब में, बुक में इन्होंने लगभग 500 से अधिक पादप के प्रजातियों के बारे में वर्णन किया है। यानी कि इन दिस बुक, यानी द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम, इन दिस बुक ही रोट्स, इन्होंने लिखा था इस बुक को, एंड ही डिस्क्राइब्स अबाउट मोर देन 500 स्पेसिस ऑफ प्लांट्स, मोर देन 500 स्पेसिस ऑफ प्लांट्स के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में व्याख्या किया है इस किताब के अंदर। इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का यानी बोटनी का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी के फादर है एरिस्टोटेल यानी अरस्तु। देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होइएगा, एरिस्टोटेल को जूलॉजी का भी फादर कहा जाता है और इनको बायोलॉजी का भी फादर कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहीं पे एक कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों के बीच, बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर इनको इन्हीं को क्यों कहा गया जूलॉजी का फादर, या इन्हीं को बायोलॉजी का फादर क्यों कहा गया, थियोफ्रास्टस को क्यों नहीं कहा गया। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा कठिन क्या था, इन्होंने भी एक किताब लिखा था द हिस्टोरिका ऑफ एनिमलिया। अब आप हमें बताइए कि व्हाट इज मोर डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा कठिन क्या है, विच इज मोर डिफिकल्ट, टू स्टडी अबाउट प्लांट और टू स्टडी अबाउट एनिमल्स, यानी कि पादपों का अध्ययन या जंतुओं का अध्ययन। तो जाहिर सी बात है जंतुओं का अध्ययन, तो इसीलिए इनको यानी एरिस्टोटेल को बायोलॉजी के साथ साथ जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी का भी फादर कहा गया है, थियोफ्रास्टस को नहीं कहा गया है, इन्हीं को कहा गया है, क्योंकि इन्होंने अपनी किताब में द हिस्टोरिका ऑफ एनिमलिया में मोर देन 500 स्पीसीज के बारे में बताया, किसके स्पीसीज, एनिमल के स्पीसीज यानी एनिमल्स के प्रजातियों के बारे में वर्णन किया कि उनका कार्य करने का शैली कैसा है, खाना कैसे खाते हैं, सांस कैसे लेते हैं, उनका जो बॉडी का जो बनावट है, शरीर का बनावट कैसा है, बाहर से वो कैसे दिखते हैं, तो उन सारी चीजों के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया था अपने इस बुक में। तो ये बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए अरस्तु यानी एरिस्टोटेल को जूलॉजी के साथ साथ बायोलॉजी का भी फादर कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि जूलॉजी के फादर के साथ साथ अरस्तु को बायोलॉजी का फादर क्यों कहा गया है। तो यही इसका रीजन है ये बुक और ये एनिमल के या प्लांट के ऊपर क्या करना, रिसर्च करना। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें तो आप यहाँ पे सेल के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं
कि सेल क्या है और सेल के बारे में, क्योंकि हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं वो सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम सेल यानी कि कोशिका के बारे में बात करें तो जिसे यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है, यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई भी आप कह सकते हैं, जीवन की इकाई यानी कि जीवन की प्रारंभ, जीवन की शुरुआत कोशिका से ही हुई है, सेल से ही हुई है, इसीलिए सेल को जीवन का इकाई कहा गया है। अब माय डियर स्टूडेंट, सेल को इनके केंद्रक के आधार पे यानी कि इनके न्यूक्लियस के आधार पे दो भागों में पहले बांटा गया था, अभी भी है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। यानी प्रोकैरियोटिक में ऐसे आते हैं जिनमें जो कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिनमें बहुत पुराना न्यूक्लियस है, उनमें कोई कोई खामियां देखने को मिली, तो जीवों को सेल के बेसिस पे बांट, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो अब हम सेल के बारे में बात करेंगे, तो प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, सिंगल सेल क्या है, तो मल्टी सेल क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक कर करके। यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस है सेल का वो बहुत ज्यादा मॉडर्न न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक में जैसे आपको बहुत प्राचीन जीव है, बैक्टीरिया वगैरह को रखा गया है। अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में भी हम लोग डिस्कस, हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे जीव जंतु जो एक सेल से बनते हैं, यानी एक सेल में बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं और उसी एक सेल में ही मर जाते हैं, तो उनको यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लेना, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे एक एक करके। यूनि मतलब एक याद रखिएगा, मल्टी मतलब बहुत सारा, ठीक है। तो इसी जैसे मल्टी सेलुलर में हम लोग आ जाते हैं, हमारे पास बहुत से सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है जो मिलकर के टिश्यू बनता है, जो कि यहाँ पे हमने आपको दर्शा दिया है। यहाँ देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, तो सेल क्या है बाबू, सेल से बनता है टिश्यू, यानी अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। और टिश्यू क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल है, यानी कि टिश्यू को क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ सेल कहा जाता है। और सेल तो है ही जीवन की सबसे छोटी इकाई, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब टिश्यू से बनता है आपका ऑर्गेन, यानी टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गेन यानी अंग, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू विच परफॉर्म ऑर्गेन। और ऑर्गेन और जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, तो क्या है ये, ऑर्गेन है। टिश्यू जैसे मान लीजिए मस्कुलर टिश्यू हो गया, पेशी उत्तक हो गए, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, नर्वस, ये सारे टिश्यू हैं। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड हम लोग पढ़ेंगे, रक्त के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको धीरे धीरे बहुत से चीजों के बारे में नॉलेज होता जाएगा एक एक कर करके। तो ऑर्गेन बना, और ऑर्गेन का समूह यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेन क्या बनाएगा, ऑर्गेन सिस्टम बनाएगा, यानी अंग तंत्र बनाएगा, और वही पूरा ऑर्गेन सिस्टम मिल करके एक फुल बॉडी का निर्माण कर देगा, यानी एक कंप्लीट बॉडी बनेगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो और अगर हम बेसिक बायोलॉजी की बात करें, तो सेल्स वगैरह के बारे में हम लोग एक एक कर करके जब डिस्कशन करेंगे तो आपको क्लासिफिकेशन भी पता चलेगा। तो अब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, एक यूनिट स्टार्ट करेंगे, द यूनिट नंबर थर्ड हम लोग पढ़ेंगे पहले, क्योंकि थर्ड में ही बेसिक भी आपको मिलेगा और बहुत सी चीजें आपको समझ में भी आएगी, और सेल इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेल से। तो हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगा वो द लिविंग यानी कि द यूनिट ऑफ लाइफ, हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल।